साथ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा कि आप किस तरह से एल्गो को अपने डीमैट अकाउंट में एनेबल कर सकते हैं, राइट। इससे पहले आपको यहाँ पे आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। मैंने जो एल्गो जिस एल्गो पे हम लोग काम कर रहे हैं उसका पूरा एक बैकटेस्ट डेटा आपके साथ शेयर किया हुआ है कि उस एल्गो पे आपको क्या रिटर्न आ रहा है, वो सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ उस वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, अगर आपको वो पूरी डिटेल चाहिए तो वहां पे जाके आप सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह से एल्गो अपने डीमैट अकाउंट में एनेबल कर सकते हैं, मतलब पूरा सेटअप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एल्गो अपने डीमैट अकाउंट में सेटअप करने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अब देखिए ये जो एल्गो हमने बनाया हुआ है ये एंजल वन के लिए बनाया हुआ है, तो आपके पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट होना चाहिए। सेकेंड, आपके पास एल्गो के लिए आपको क्या चाहिए, एक सर्वर चाहिए जहाँ से ये जो आपने अपना एल्गो बनाया हुआ है जो आपके कोड है वो उस सर्वर पर होने चाहिए। ये सेकेंड चीज की रिक्वायरमेंट है। एक आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, एक सर्वर चाहिए जिसके थ्रू आपका ट्रेड होगा। देन थर्ड आता है, इसके बाद आपके पास API कीज होनी चाहिए जिससे आप सर्वर और अपने डीमैट अकाउंट के बीच में ब्रिज बना सके, मतलब API की दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा। तो ये तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। अब देखिए अगर आप सर्वर के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी एक कॉस्टिंग भी आती है, राइट। क्योंकि अगर आप यूजली अगर किसी भी सर्वर को अपने मतलब अगर डीमैट अकाउंट में अपने सर्वर के थ्रू ट्रेड करेंगे, एल्गो ट्रेड करेंगे, तो यूजली जो उसकी कॉस्ट आती है 1000 से 1500 रुपीज के बीच में आती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से सर्वर पे ये ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये एल्गो आपके लिए कम्प्लीटली फ्री रहेगा, तो यहाँ पे इसका मतलब कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो पे मुझे करना पड़ेगा, राइट। तो अगर मुझे पे करना पड़ेगा, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन हमने निकाला है कि अगर आपका डीमैट अकाउंट हमारे साथ है, एंजल ब्रोकिंग के साथ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से अगर आप करते हैं तो ये जो एल्गो है ये कम्प्लीटली आपके लिए फ्री हो जाएगी, क्योंकि उससे जो ब्रोकरेज आएगा उससे हम लोग जो सर्वर की कॉस्ट है वो पे कर सकते हैं, राइट। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ऑलरेडी एंजल का अकाउंट है, अगर आपके पास ऑलरेडी एंजल का अकाउंट है लेकिन और अगर आप नहीं चाहते हैं कोई दूसरा अकाउंट खोलना, तो उस केस में फिर आपको ये 1200 रुपीस पर मंथ का जो सर्वर कॉस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपके पास एंजल अकाउंट हमारे साथ है तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको तीन चीजें क्लियर हो गई। आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए एंजल वन का, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप एंजल में अकाउंट खोल सकते हैं। सेकेंड, आपको एक सर्वर चाहिए जिस सर्वर के थ्रू आप अपने डीमैट अकाउंट को कनेक्ट करेंगे, और थर्ड आपको APIs की चाहिए। तो अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलूंगा और यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको पूरा किस तरह से अपने डीमैट अकाउंट में कनेक्ट करना है वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा, राइट। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो इसको जरूर से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए ये वेबसाइट है trade.zmdevinfotech.com, ठीक है। ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आके अपना ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मैंने नाम एंटर कर दिया, ये एक्चुअली मेरी सिस्टर का अकाउंट है, यहाँ पे सिर्फ मैंने डेमो के लिए यूज किया हुआ है। इस जगह पे फोन नंबर फिल करना है, यहाँ पे आपको अपनी सिटी डालनी है जिस जगह से भी आप बिलोंग करते हैं, फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। ये पासवर्ड आप डालेंगे, फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी डालना है। तो यूजर आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे यूजर आईडी डाल दिया आपने। अब यहाँ पे आपको API की पूछ रहा है। अब API की कैसे जनरेट करना है मैं वो बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए स्मार्ट API, ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, स्मार्ट API, ठीक है, ये लिंक आपको आना है, यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर आपने फर्स्ट टाइम आए तो यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा, अगर फर्स्ट टाइम नहीं आए हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह का यहाँ पे लॉगिन पेज मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर ले रहा हूँ, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे नेम फिल करना है, अपना पासवर्ड फिल करना है, मेल आईडी डालनी है, वही मेल आईडी डालिएगा जो आपके एंजल ब्रोकिंग अकाउंट में, फिर उसके बाद अपना एंजल आईडी डाल देंगे, उसके बाद इसको आई एग्री पे करके क्लिक करके साइन अप कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, तो लॉगिन करने के लिए मैं तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने मेल आईडी डाल दिया हुआ और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। अब देखिए मैंने ये लॉगिन कर लिया,
अब यहाँ आपको आपको एपीआई जनरेट करनी है। एपीआई जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक एपीआई पे क्लिक करना है, क्रिएट एन एपीआई पे। यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे ऐप का नेम आप जो चाहें आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग प्लस, फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग प्लस डाल दिया हुआ है, क्योंकि आप ये ट्रेडिंग प्लस के प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो मैंने ट्रेडिंग प्लस कर दिया है। आप चाहे कुछ भी नाम दे सकते हैं, ट्रेडिंग प्लस डाल दीजिएगा, आपके लिए ईजी रहेगा। अब यहाँ पे रीडायरेक्ट यूआरएल बोल रहे हैं, तो रीडायरेक्ट यूआरएल के लिए आप ये वाला जो यूआरएल है ना, यहाँ पे आप वैसे कोई सा भी यूआरएल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक यूआरएल चाहिए तो आप ये वाला यूआरएल डाल दीजिएगा, trade.zendev। मैं ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप रीडायरेक्ट यूआरएल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पोस्ट बैक यूआरएल पे भी आप यहाँ पे सेम यूआरएल पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप अपनी एंजल आईडी डाल देंगे, जो भी आपका एंजल आईडी है, PIUH1022, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिएट एन ऐप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये आपका एपीआई जनरेट हो गया। अब आप इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आपने कॉपी किया, यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप अपना पिन डाल देंगे, जो भी आपका एंजल ब्रोकिंग अकाउंट में आपने अपना पिन सेट किया है वो आप यहाँ पे पिन डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे पिन डाल दिया। अब यहाँ पे आता है TOTP जनरेट करने के लिए। देखिए, TOTP जनरेट करने के लिए आप फिर से इसी वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे आप देखिए एनेबल TOTP आ रहा है, आप एनेबल TOTP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिर से ये देखिए, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये मेल आईडी आएगा, इसको सब कुछ हटा देना है। आपको अपना एंजल अकाउंट यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो PIUH1022 मैंने अपना एंजल अकाउंट डाल दिया। यहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं डालना है, यहाँ पे आपको अपना एम पिन डालना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिन आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप अपना पिन डाल देंगे 4 डिजिट का, जो भी आप एंजल अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं ना अकाउंट, तो वहाँ पे आपको वो पिन सेट करने के लिए आता है। तो वो पिन डाल देंगे आप यहाँ पे अपना, और यहाँ पे ये लॉग इन कर देंगे। अब आपको ये OTP आएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने अपना OTP डाल दिया, जो भी आपको OTP रिसीव होगा वो OTP मैंने डाल दिया, प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे आपको ये की मिलेगी, ये की आपको कॉपी कर लेनी है और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये की आपने पेस्ट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी का नाम है वो मैक्स थीटा स्ट्रैटेजी का नाम है। यहाँ पे देखिए 1200 रुपीज पेमेंट है, ये देखिए वन टाइम पेमेंट है, क्योंकि ये जो पूरा सेटअप है, मैंने जैसा आपके आपको बताया कि ये ब्रोकरेज जो आपकी आएगी वो वन एंजल ब्रोकिंग की जो ब्रोकरेज होती है वो 1 मंथ बाद आती है। तो लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम है, ये पूरी सेटअप कॉस्ट है 1200 रुपीज। आपका एल्गो रनिंग फ्री है, मतलब ये सिर्फ आपको वन टाइम पे करना है 1200 रुपीज। आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है, तो कैप्चर यहाँ पे RTPHHK7। अब मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक किया। अब देखिए, ये यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे पे ले आया, ये आपको 1200 रुपीज, ये फर्स्ट वन टाइम पेमेंट है जो आपको पे करना है। यहाँ पे आप कार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी पूरी डिटेल्स फिल करके, यहाँ पे ये पूरी डिटेल्स जब आप फिल कर दे के पे कर देंगे, तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी पे क्लिक करना है, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे फॉलो प्री बिल्ड स्ट्रैटेजी, क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी है, दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे फॉलो प्री बिल्ड स्ट्रैटेजी पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी कोड, अभी यहाँ पे मैक्स थीटा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये मैक्स थीटा आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे ये जो ट्रेड करने के लिए मिनिमम आपको 1 लाख रुपीज चाहिए, 1 लाख रुपीज और उसके मल्टीपल में, मतलब अगर आपको 1 लॉट में ट्रेड करना है तो 1 लाख रुपीज चाहिए, 2 लॉट में ट्रेड करना है 2 लाख चाहिए, 3 लॉट में ट्रेड करना है 3 लाख चाहिए, 4 लॉट में करना है, मतलब एसो ऑन, कि जितने लॉट पे आपको ट्रेड करना है उसके रिस्पेक्टिव में आपको उतना मार्जिन चाहिए। तो 1 लॉट के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपीज मार्जिन चाहिए। अभी अकाउंट बैलेंस आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1,65,800 रुपीज इस अकाउंट में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे लॉट साइज पूछेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में यहाँ पे 1,65,000, अगर 2 लाख रहता तब मैं यहाँ पे 2 लॉट में कर पाता, लेकिन अगर ये 1 लॉट में है तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लॉट लिखूंगा, क्योंकि मिनिमम मार्जिन 1 लॉट के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपीज है, ठीक है। अब जैसे ही ये यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे आ जाएंगे आप, यहाँ पे देखिए ये कोड है, ये PIUH1006, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन जो है ये 1 लाख रुपीज का मार्जिन है। यहाँ पे लॉट साइज अगेन आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने से,
और यहाँ पे ये देखिए, आप जब पहली बार करेंगे, क्योंकि ये इस अकाउंट में ऑलरेडी सेटअप कर चुका हूँ तो इसलिए मुझे ये नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो वन मैंने जो आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे PIUH 100 1022 पे दिखाया था, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये PIUH 1006 पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वाला अकाउंट ऑलरेडी इसमें सेटअप है, इसलिए यहाँ पे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं पहले जो स्टार्टिंग में जो रजिस्ट्रेशन किया वो PIUH 1022 का किया था, और अभी जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो PIUH 1006 का है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपने 1 लाख रुपीज का मार्जिन यहाँ पे मिनिमम चाहिए, यहाँ पे आपने लॉट साइज अपना डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास दो बटन है, एक्टिव स्क्वायर ऑफ, तो आपको एक्टिव पे क्लिक करके जैसे ही आप अपडेट करेंगे ये आपका अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए ये आपको पॉपअप आ गया कि 1 मिनट में ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये एक्टिवेट कर दिया। अब आपको कल से, मतलब अगर आपने आज मॉर्निंग में 9 o'clock से पहले किया तो वो उसी दिन से ट्रेड लेने लगेगा, लेकिन अगर आपने 9 o'clock के बाद अगर ये सारा सेटअप किया तो वो नेक्स्ट डे से आपके अकाउंट में ट्रेड लेगा, और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद ये आपने सेटअप कर दिया, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब अगर आपको देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में उस दिन ट्रेड ना हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये जो एक्टिव बटन है इसको, एक्टिव बटन को हटा देंगे, इस पे से अनचेक कर देंगे और इसको अपडेट कर देंगे। तो इसको आप जैसे अपडेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अब यहाँ से ये इनएक्टिव हो गया है ट्रेड। जैसे आपने यहाँ पे अनचेक करके इसको अपडेट किया तो ये ट्रेड आपका, ये पूरा सेटअप जो है आपका इनएक्टिव हो गया, तो अब ये आपके अकाउंट में ट्रेड नहीं करेगा जब तक आप दोबारा से इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे इसको चेक पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए 1 मिनट का वेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 मिनट का टाइमर लगाया हुआ है, तो 1 मिनट बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए 1 मिनट हो गया, तो यहाँ पे अपडेट फिर से एनेबल हो गया है। तो अब जैसे ही अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एनेबल एक्टिव क्लिक आके दोबारा क्लिक करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे, तो ये फिर से आपका एक्टिव हो जाएगा। अब मैं आपको एक दूसरी चीज समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक बटन है स्क्वायर ऑफ, इस चीज का बहुत से अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। अगर आपने कोई ट्रेड, मतलब आपका एल्गो ट्रेड कर रहा है और आप चाहते हैं कि अगर आपको ऑलरेडी प्रॉफिट आने लगा और आप चाहते हैं कि अब ये प्रॉफिट मेरा बुक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब एल्गो चलता रहे और हो सकता है आपको डर लग रहा है कि डे पूरे दिन में कभी भी आपको लॉस हो सकता है, आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, आप सिर्फ एक काम करिएगा, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करके इसको अपडेट कर दीजिएगा। जैसे आप इसको अपडेट करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपडेट हो जाएगा। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप अपने डीमैट अकाउंट में जाके ये काम गलती से भी मत करिए, क्योंकि एल्गो को नहीं पता चलेगा कि आपने अपने डीमैट अकाउंट में कुछ अपडेट किया हुआ है, तो वहां से कभी भी आप प्रॉफिट, मतलब अगर अपना ट्रेड क्लोज भी करा है तो वहां से कभी भी मत करिएगा। जो भी ट्रेड आपको क्लोज करना है वो सीधा आप यहाँ पे आइएगा, स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करके इसको अपडेट कर दीजिएगा उस दिन के लिए, राइट। और नेक्स्ट डे फिर जब ये आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाए तो आके फिर आप इसको हटा दीजिएगा, यहाँ से इसको हटा दीजिएगा 3:30 के बाद। 3:30 के बाद आप इसको आगे, ये जो स्क्वायर ऑफ पे आपने क्लिक किया था इसको आगे इसको हटा दीजिएगा। तो अगर यहाँ पे 3:30 के बाद अगर यहाँ पे चेक मार्क रहता है तो आप इसको हटा दीजिएगा, राइट। तो अब मैं इसको एल्गो को एक्टिवेट करने के लिए मैं एक्टिव पे क्लिक करूंगा और इसको अपडेट फिर से कर दूंगा। तो ये पूरा डिटेल था जिससे आप अपने अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में ये पूरे एल्गो को सेटअप कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पर आपको हमारा ऑफिस का नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप सीधा अपना मैसेज ड्रॉप करके जो भी क्वेरीज है वो आप क्वेरीज पूछ सकते हैं, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और आपको सारा सॉल्यूशन उस पर व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। देखिए आपको फिर से मैं बता दूं, 3 चीज आपको चाहिए। एक एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट चाहिए आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है लेकिन आप, और अगर आप नया अकाउंट नहीं खोलना चाहते हैं तो उस केस में आप अपने एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट से कर सकते हैं, बट वो फिर आपको मंथली पे करने पड़ेंगे 1200 रुपीज। अगर आपका एंजल ब्रोकिंग अकाउंट हमारे साथ है तो उस केस में आपको ये 1200 रुपीज पे नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ वन टाइम पे करने पड़ेंगे सेटअप, मतलब जब आप पहली बार इसको पूरे सेटअप को अपने अकाउंट में कर रहे हैं तो ये वन टाइम सेटअप कॉस्ट है जो आपको पे करना पड़ेगा, इसके बाद फिर आपको दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड, आपको ये सर्वर चाहिए, तो ये इस वेबसाइट का लिंक, ये सारे लिंक जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है, एंजल ब्रोकिंग अकाउंट लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर सेकेंड नंबर पे आपको लिंक मिलेगा ये वाला, और थर्ड नंबर पे आपको ये एपीआई की वाला लिंक मिल जाएगा, ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये 3 लिंक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे अकाउंट को अपने सेटअप करने में। इस पूरे सेटअप में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम लगता है, ये पूरा सेटअप मैंने आपके सामने अभी करके दिखाया, तो इसमें हार्डली मुझे 10 सेकेंड 10 मिनट का टाइम लगा है। तो इस 10 मिनट में ही आप पूरा एल्गो अपने अकाउंट में सेटअप कर सकते हैं।
तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, जरूर से आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।